हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ शब्बीर हुसैन एंड यू आर वॉचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि पेनफुल आर्क सिंड्रोम क्या होता है, इसके कॉजेस क्या होते हैं, इसका डायग्नोसिस किस तरीके से किया जाता है और साथ ही आपको बताएंगे कि पेनफुल आर्क सिंड्रोम का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, पेनफुल आर्क सिंड्रोम उस कंडीशन को कहा जाता है जब पेन होता है हमारे कंधे में और हाथ के ऊपरी हिस्से में ड्यूरिंग मिड रेंज ऑफ ग्लिनोह्यूमरल एबडक्शन। यानी कि सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो जब आप अपना हाथ साइड से ऊपर उठाते हैं तो 60 डिग्री से लेकर के 120 डिग्री तक के बीच में जो पेन आपको होता है उसको हम बोलते हैं पेनफुल आर्क सिंड्रोम। दोस्तों, हमारे शोल्डर का जो नॉर्मल रेंज होता है वो होता है 0 to 180 डिग्री, यानी कि शोल्डर एबडक्शन का जो नॉर्मल रेंज है वो है 0 to 180 डिग्री। पर इस 0 to 180 डिग्री में जब आपको पेन 60 डिग्री से लेकर के 120 डिग्री के बीच में हो तो उसको हम बोलते हैं पेनफुल आर्क सिंड्रोम। अब बात करते हैं कि पेनफुल आर्क सिंड्रोम आपको किन किन कंडीशन में देखने को मिलता है। जब आपके टीरीज माइनर या सुप्रा स्पाइनेटस टेंडन का इन्फ्लेमेशन हो जाए या आपका सुप्रा स्पाइनेटस टेंडन के अंदर कैल्सिफिकेशन हो जाए या इन्फ्लेमेशन हो जाए या आपका जो ह्यूमरस है उसकी ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी का फ्रैक्चर हो जाए तो उस केसेस के अंदर आपको देखने को मिलेगा पेनफुल आर्क सिंड्रोम। अब बात करते हैं कि भाई ये पेनफुल आर्क सिंड्रोम में पेन ये मिड एबडक्शन के अंदर ही क्यों आता है। दोस्तों, जब आप साइड से हाथ ऊपर की ओर उठाते हैं तो जब आपका सुप्रा स्पाइनेटस मसल के अंदर या टेंडन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए या फिर आपका ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी ऑफ ह्यूमरस के अंदर फ्रैक्चर हो जाए या फिर टीरीज माइनर या सुप्रा स्पाइनेटस टेंडन के अंदर कैल्सिफिकेशन हो जाए या इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसके दौरान होता क्या है कि एक्रोमियन और ह्यूमरस के बीच के अंदर जो स्पेस होती है उसके बीच में जो रोटेटर कफ है उसका टेंडन निब्ड हो जाता है। इसकी वजह से मिड ग्लिनो ह्यूमरल एबडक्शन के अंदर आपको पेन आता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। डॉक्टर्स के पास जब आप जाते हैं तो पहले डॉक्टर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, आपका शोल्डर का रेंज चेक करते हैं, आपके शोल्डर की स्टेबिलिटी चेक करते हैं, आपके शोल्डर का स्ट्रेंथ चेक करते हैं, साथ ही आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं कि आपको लोकेशन कहाँ है, पेन का जो है वो लोकेशन वो कहाँ है, पेन कौन सी ड्यूरेशन के अंदर आपको होता है, किस एक्टिविटी के दौरान आपका पेन बढ़ जाता है और किस एक्टिविटी करने से आपका पेन रिड्यूस हो जाता है। साथ ही आपको डॉक्टर्स कुछ इमेजिंग टेस्ट करने को बोलते हैं, एक्सरे करने को बोलते हैं, जिससे आपका जो बोन का डिफॉर्मिटी है या बोनी डिफॉर्मिटीज़ है वो आपकी पता चल सके। साथ ही डॉक्टर्स आपको MRI करने के लिए बोलते हैं ताकि जो आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनकी इंजरी आपको पता लग सके। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। मेडिकल ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो डॉक्टर्स पेन कम करने के लिए आपको NSAIDs देते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आपको देते हैं। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के अंदर डॉक्टर्स आपके जो रेंज है, अगर आपकी शोल्डर की रेंज कम हो गई है तो शोल्डर रेंज इंप्रूव करने के लिए शोल्डर रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस देते हैं, आपके शोल्डर की स्टेबिलिटी चेक करते हैं, स्टेबिलिटी और साथ ही आपके शोल्डर की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए शोल्डर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी कराई जाती है। दोस्तों, अगर फिजियोथेरेपी से ये ठीक हो जाता है, अगर सीवियर नहीं है आपकी बीमारी तो इसको फिजियोथेरेपी से ट्रीट किया जाता है, पर सीवियर केसेस के अंदर सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ भी डॉक्टर्स जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताया पेनफुल आर्क सिंड्रोम के बारे में। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हुए आर्टिकल की लिंक हमने दे रखी है, वहाँ से वो पूरा आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं पेनफुल आर्क सिंड्रोम के बारे में। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।